बुलेटिन में आपको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले अब आपको बताएंगे कि रोहिंग्या से अफसोसनाक और दुख भरी दास्तानों के रकम होने का सिलसिला ताहाल जारी है। म्यांमार के मुसलमान ताहाल इंतहाई मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तारीख के बदतरीन मजालिम सहने वाले रोहिंग्या मुसलमान किस हाल में हैं, मुलाहजा कीजिए रिपोर्ट। रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार अकलियत के तौर पर बयान किया जाता है। ये एक नस्ली गिरोह है जिसमें अक्सरियत मुसलमान है जो म्यांमार में सदियों से रहते हैं। 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रिहाइश पजीर है। मुल्क के 135 नस्ली गिरोहों में से इन्हें एक समझा जाता है और 1982 से म्यांमार ने इनको शरीयत देने से इनकार कर रखा है। रोहिंग्या के मुसलमानों ने बंगाल के खलीज और अमनाम समंदर के जरिए मलेशिया जाने की कोशिश की। 2012 और 2015 के दरमियान 1,12,000 से ज्यादा खतरनाक सफर किए गए। तकली की बैन अक्वामी तंजीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल खत्म होने वाले तशद्दुद के बाद 87,000 रोहिंग्या ने अक्टूबर 2016 से जुलाई 2017 तक बांग्लादेश तक हिजरत की। आंग सान सूची और इनकी हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों को नस्ली गिरोह के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया और इन पर रखाइन में तशद्दुद का इल्जाम लगाया। म्यांमार हुकूमत ने तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के इल्जाम को बार बार रद्द कर देती है। फरवरी 2017 में अक्वामे मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि अक्टूबर 2016 में सरकारी फौज बहुत मुमकिन तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम की इर्तिकाब करती रही है। बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को जो सरहद पार करके कैंपों में रहते हैं गैर कानूनी करार दिया है। बांग्लादेश ने अक्सर रोहिंग्या पना गुजीरों को अपनी सरहद पार करने से रोकने की बहुत सी कोशिशें की है। सैयद साद अली, न्यूज प्लस, कराची। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक आम इंसान का पेट भरने के लिए उमूमन दो रोटियां काफ़ी होती हैं और हमारे पहलवान भाइयों को शायद पांच या उससे भी ज़्यादा रोटियों की ज़रूरत पड़ती हो, मगर हम आपको बताएंगे भारत के एक फूड स्ट्रीट के बारे में जहां पूरी फैमिली के लिए एक ही रोटी काफ़ी है, बस फैमिली थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अब बात हो जाए कुछ हॉलीवुड की। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर शायकीन के लिए नई हॉलीवुड फिल्म जुमांजी 2 दिसंबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का ट्रेलर मुलाहजा कीजिए। फन ग्रुप, वेलकम टू डिटेंशन। स्पेंसर, बेथनी, फ्रिज, मार्था, यू आर ऑल हियर फॉर अ रीजन। यू नो व्हाट इट इज, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट who you are and who you want to be. Fortunately, you'll have plenty of time to figure that out while you're cleaning out the basement. That sucks. Yo, hey Spencer, what's this? Jumanji, a game for those who seek to find a way to leave their world behind. What are those? Avatar names, so you pick a character and then you're that person in the game. Which one do I pick? I don't think it matters that much. Should we play? What's going on? What's up with your hand? Ah! Holy shit! Holy vey. Who are the rest of me? Oh my god. Fridge? Yeah, I'm Fridge. Who are you? It's me, Spencer. Who is she? Martha?
think we got sucked into the game, and we've all become the avatars we chose. So that means I'm... Bethany? Oh, Bethany! Bethany! No! I'm an overweight middle-aged man. Welcome to Jumanji. Everybody run! Why am I going so slow? Welcome to the jungle. It gets worse every day. Wow. Learn to live like a man. The jungle where we play. You gotta look up for what you see. I have to warn you, I think I'm a very strong puncher. Wow. He's so good at that. Cry, it's gonna be okay. All right. I can't help it. बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखें, ऊंची जगहों से भी दूर रखें। ये तो आपने सुना ही होगा। गर्ज ये कि छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए उनके बड़े हर मुमकिन इकदाम उठाते हैं, मगर हम आपको दिखाएंगे एक पाकिस्तानी अनोखा बच्चा जिसका सीढ़ियां उतरने का अंदाज बिल्कुल निराला है। अब कुछ जिक्र जानवरों का करते हैं। न्यूयॉर्क में कुत्ते ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 7.5 इंच लंबी जबान रखने वाला कुत्ता दुनिया के तमाम कुत्तों में सबसे लंबी जबान रखने वाला कुत्ता माना जा रहा है। Mochi is a rescued Saint Bernard. And we've had her for about 6.5 years, and her tongue measures from snout to tip 7.3 inches. When we open that Guinness World Records book and see Mochi's picture in there, we're gonna feel very proud, and it's gonna make all of the water and slobber that we've cleaned up over the last 6.5 years well worth it. न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsplus.com.pk।